नमस्कार बच्चों, ये वीडियो ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए है जो 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में अच्छा नहीं कर पाए, कंपार्टमेंट आ गई और आप फेल भी हो गए हैं। तो ये वीडियो उन सभी लड़के लड़कियों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए है। देखो बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखो कि ये जीवन का अंत नहीं है। जीवन बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है और ईश्वर ने, जिसने आपको जन्म दिया है, आपके लिए बहुत कुछ रखा है पिटारे में और वो सब आपको मिलेगा भी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसे टाइम पर जहाँ कोई आपका साथ नहीं दे रहा, हो सकता है आपके दोस्तों ने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया हो सकता है कि कई घरों में आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा हो सकता है आपके घर में आपको सपोर्ट ना मिल रहा हो सकता है आप बैठकर ये सोचते हो कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया, कोई गलती भी नहीं की, झूठ भी नहीं बोला। बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना दिमाग में जब हम फेल हो जाते हैं तो, है ना। और आपके बाकी सब दोस्तों ने सारे काम किए, टाइम भी वेस्ट किया, ये भी किया, वो भी किया, वो लोग पास हो गए, अच्छे नंबरों से आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया या रह गई, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान करेंगे, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? आगे जाकर आप कितना सक्सेसफुल होंगे, क्या जीत के मायने होंगे आपके लिए, वो मैटर करता है। आज जीत और हार केवल और केवल एक रिज़ल्ट है आपके लिए, जबकि ऐसा नहीं है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए, नहीं हो सकता तो गूगल बाबा से पूछिए। आप ये पाएंगे कि जो बैक बेंचर्स होते हैं और जो बच्चे फेल हो जाते हैं अक्सर स्कूल्स में ख़ास तौर से, ठीक है, वो सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छी पोजीशंस पर जाते हैं। आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स बनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ बन जाते हैं। सिर्फ सारे टॉपर्स ही इस दुनिया को या देश को चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जैसे हमारे जैसे बच्चे भी होते हैं जो इस पड़ाव में, जो जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पड़ाव लगता है पेरेंट्स को भी और बाकी लोगों को भी, उसमें फेल हो जाते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है इन सब बातों से? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप को मजबूत रखिए और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आपके खुद के अंदर नहीं आना चाहिए। इस समय आपको बहुत सारे लोग छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपका मजाक भी बनाए, हो सकता है आपसे बात भी ना करें, हो सकता है आपके जिगरी दोस्त भी आपको बिल्कुल तवज्जो ना दें। लेकिन फिर अपने आप को समझाइए कि क्या फ़र्क पड़ता है, अल्टीमेटली तो आप ही हैं ना। और बेटा, हार को अगर आप उल्टा पढ़ो तो क्या होगा? राह, है ना। तो हर एक हार से एक राह निकलती है। अब उस राह को आप जीत की तरफ ले जाइए, आप कुछ नया सोचने पर ले जाइए, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए। आप अपने लिए सोचे कि मेरे लिए तो पूरा आसमान मेरा है, मैं इसको कैप्चर करूँगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना था, इंजीनियर ही बनना था, साइंटिस्ट ही बनना था, मैं तो फेल हो गया साइंस में, अब मैं क्या करूँगा। तो बेटा, जिसने जन्म दिया है इस धरती पे, जिसने आपको भेजा है ना ईश्वर ने, उसने पहले से सोच रखा है कि आपको क्या काम करना है। बस आप सपने देखना मत छोड़िए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सपने देखिए, सुदृढ़ रहिए, डेडिकेटेड रहिए, डिटरमाइंड रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको हिला ना दे, कोई रिश्तेदार आपको इन्फीरियर महसूस ना करा दे, कोई पड़ोसी आपको ऐसे ना देखे कि आपने क्या गलत कर दिया। कोई गलत नहीं किया, फेल और पास तो पार्ट ऑफ लाइफ है। आप फेल होंगे, आप पास होंगे, और अगर आप हार गए हैं आज की डेट में तो कल की डेट में आप जीतेंगे भी। तो कल आप कहाँ होंगे वो आज पर निर्भर करेगा, ठीक है। इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को कमरे में बंद रखने की, कोई ज़रूरत नहीं है आंसू बहाने की, कुछ ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को करने की जो आपको और उदास करें। सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने परिवार के ऊपर भरोसा रखें। और अगर इस समय परिवार थोड़ा नाराज़ है, सपोर्ट नहीं कर रहा, तो अपने साथ अपने अपने ईश्वर पर भरोसा रखें। आप ईश्वर से कितना भी नाराज़ हो जाएं, आप माता पिता से कितना भी नाराज़ हो जाएं, आपको कहीं ना कहीं एक शक्ति उसी, ये जो मुश्किल समय है ना, इसी से मिलती है। तो ईश्वर आपको राह देगा, ठीक है। और ऐसे सारे लोग जो इस समय नेगेटिव बोल रहे हैं, उनके लिए अपने कानों को बिल्कुल बंद कर दीजिए, कोई भी उनकी बात नहीं सुननी। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिए कि आप इम्पॉर्टेंट हैं। आप अपने लिए पहले खुद को इम्पॉर्टेंट महसूस कराइए, ठीक है। और कभी भी हार नहीं माननी है, बस यही एक मूल मंत्र है। कहा जाता है ना कि एक तो अपने परवरदिगार, अपने ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, जिसमें भी आपकी आस्था है, उस पर भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और अपने सपने पर भरोसा रखिए, और आप ज़रूर जीतेंगे। जब आप जीत जाएंगे तो सच में हर वो व्यक्ति जो इस समय आपका साथ नहीं दे रहा है ना, आश्चर्यचकित आज हो जाएगा कि हुआ क्या, कैसे हो गया ये, ठीक है ना। तो वो तो खैर आगे की बात है। इस समय आप अपने आप को हारने मत दीजिए, ये ज़रूरी है। उर्दू की
एक शायर की बहुत अच्छी शायरी की दो लाइंस हैं। ए जज्बे दिल गर मैं चाहूँ, हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ सोच लेंगे, अपने जज्बे को बनाए रखेंगे, मंजिल आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो हताश नहीं होना, परेशान नहीं होना, मजबूती के साथ सामना कीजिए। मुश्किल है, पार कीजिए इसको। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आपकी जय जयकार हो, ऐसा ज़रूर काम कीजिए। नमस्कार।